भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने भाजपा नेताओं के साथ शहर में विभिन्न छठ तालाबों का निरीक्षण किया। तालाबों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने निगम अधिकारियों से चर्चा की और सुविधाएं उपलब्ध कराने कहा। छठ महापर्व के मद्देनजर भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने भाजपा नेताओं के साथ स्मृति नगर तालाब, रामनगर मुक्ति धाम तालाब, बैकुंठ धाम तालाब आदि का निरीक्षण किया। स्मृति नगर तालाब में फैली गंदगी और कचरे को देखकर उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से मौके पर चर्चा की, साथ ही आधे अधूरे कार्यों को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल तालाबों में व्यवस्थाएं बनाने कहा। निरीक्षण की जानकारी भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने दी। सबसे पहले मैं स्मृति नगर तालाब में गया, उसके पहले भी उसके लिए हमने आंदोलन किया था अध्यक्ष बनते साथ, हमारे कार्यकर्ताओं से मिल करके, हमारे वार्ड पार्षद के साथ मिल करके। तो उसके बाद वहाँ थोड़ा सा गति आई और आज देखा तो आज भी सफाई हो रही थी, लेकिन नेहरू नगर गार्डन इतना बड़ा गार्डन है, वहाँ पे ये स्थिति है कि जो घाट छोटे छोटे से बने हैं उन घाटों में भी पूजा करने के लिए सफाई नहीं है, वहाँ भी अंबार लगा हुआ कचरे का और चारों तरफ अपना गंदगी फैली हुई है। और आज इसके बाद जो वहाँ पर कीचड़ मचा हुआ है, गंदगी मची हुई है, किनारे किनारे पूरा क्यारियाँ पूरी भरी पड़ी हैं कचरे से, लेकिन उसकी सफाई का कोई मामला नहीं है। आज मैंने अधिकारियों से वहाँ बात की और उनको बोल के आया कि ये चलने वाला नहीं है, अगर आप लोग साफ सफाई नहीं करोगे एक दिन के अंदर आज शाम तक, तो उसकी स्थिति और गड़बड़ होगी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैंने आज बैकुंठ धाम तालाब का भी निरीक्षण किया, हमारे इधर रामनगर मुक्ति धाम भी किया। तो बैकुंठ धाम में ये स्थिति है कि जो मुरम के ऊपर पूरा मामला है, चारों तरफ मुरम है और मुरम ऐसी है कि कट करके ऐसी कटिंग हो गई है कि जिसमें लोग खड़े होंगे तो गिरेंगे और उनके हाथ पैर टूटेंगे, और कचरा भी चारों तरफ फैला हुआ है, पूरा लाइन की लाइन पूरी ऐसे कचरे से भरी पड़ी है और पूरा जैसे लगता है कि नाली का कीचड़ होता है वो डाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को बुलाया और वहाँ पर उनको भी बत्ती दी और उनको बोला कि भाई ये चलेगा नहीं, जनता हित में काम करो और आज हमारा इतना बड़ा पर्व है छठ का और उसमें आप लोग लापरवाही कर रहे हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये काम भी जो बताया है मैंने वो तुरंत होना चाहिए। बहरहाल इस अवसर पर विभिन्न वार्डों के पार्षदों सहित वार्ड के लोग भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।